हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित है और मेरे साथ हैं कपिला सेंसे। はい、皆さん、こんにちは。グプタ・カピラです。どうぞよろしくお願いします。इस लेसन में हम लेसन 8 की ग्रामर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। それでは始めましょう。सबसे पहले लेसन की ग्रामर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स को जापानीज में बोलते हैं केयोशी। केयोशी एडजेक्टिव्स को जापानीज में बोलते हैं केयोशी। और जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जापानीज में, एक ई एडजेक्टिव और दूसरा ना एडजेक्टिव। ई एडजेक्टिव को बोलते हैं इकेयोशी और ना एडजेक्टिव को बोलते हैं नाकेयोशी। तो ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव क्या होते हैं ये एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वो सभी एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में ई लेटर आ रहा है जैपनीज का, वो ई एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि ओकी मतलब बिग, ओकी बिग, चीसाई चीसाई, स्मॉल, थकाई थकाई, टॉल या फिर एक्सपेंसिव यासुई यासुई, चीप हिकुई हिकुई, लो। तो ये सारे जो भी एडजेक्टिव्स हमने देखे हैं इन सब का जो लास्ट लेटर है वो ई है। तो जो भी एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में ई आ रहा है उनको बोलते हैं ई एडजेक्टिव्स, इकेयोशी। अब ना एडजेक्टिव्स के एग्जांपल देखते हैं। वो सारे एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में ई नहीं आ रहा उनको बोलते हैं ना एडजेक्टिव्स। जैसे कि खानतान खानतान मतलब ईजी, शिजुका शिजुका, क्वाइट निगियाका निगियाका, लाइवली ये किसी प्लेस के लिए यूज करते हैं, कोई बहुत लाइवली प्लेस होता है, बहुत चहल पहल रहती है जहां पे, उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं। यूमे यूमे, फेमस शिनसेत्सु शिनसेत्सु, काइंड। इसमें हम देखेंगे ये जो हमने अभी फेमस का वर्ड पढ़ा है यू में, इसमें लास्ट में आप देखेंगे ई लेटर आ रहा है लेकिन फिर भी हमने इसे कैटेगराइज किया है ना एडजेक्टिव्स में। दो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं यहां पर और वो हैं खिरे खिरे, खिरे का मतलब होता है ब्यूटीफुल या फिर क्लीन। यू में दूसरा वर्ड है यू में जिसका मतलब होता है फेमस। तो ये दो वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ई लेटर आ रहा है लेकिन फिर भी ये वर्ड्स ना एडजेक्टिव में कैटेगराइज किए गए हैं। तो बस ये दोनों एक्सेप्शंस याद कर रखनी है आपको। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ई आ रहा है वो हो गया ई एडजेक्टिव और जिनके लास्ट में ई नहीं आ रहा वो हो गया ना एडजेक्टिव। चलिए आगे पढ़ते हैं। ई एडजेक्टिव्स के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल्स। लास्ट में ई यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सबके लास्ट में ई आ रहा है। यहाँ पर खांजी भी लिखी हुई है और हीरागाना भी लिखी हुई है, तो रिवाइज करने के लिए आप ये टेबल को रेफर कर सकते हैं। ऐसे ही ना एडजेक्टिव्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं खांजी और हीरागाना के साथ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनको आप इनकी खांजी हीरागाना यहाँ से देख सकते हैं, इस टेबल से इनको रिवाइज कर सकते हैं। एक्सेप्शंस भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हमें कोई सेंटेंस अगर फ्रेम करना है, हमें किसी नाउन के बारे में बताना है, एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है, किसी की विशेषता बताना, हिंदी में ऐसा ही पढ़ा था एडजेक्टिव्स होते हैं। तो किसी नाउन के बारे में आप उसकी क्वालिटी को ही बताते हैं, तो एन वा ना एडजेक्टिव या फिर ई एडजेक्टिव दिस, एन जो नाउन है वो ना या ई एडजेक्टिव है, ये सेंटेंस पैटर्न बनता है जब एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर आपको मिस्टर वॉट की क्वालिटी बतानी है, मिस्टर वॉट काइंड है, मिस्टर वॉट इज काइंड, तो आप जैपनीज में इसे बोलेंगे वाट्टो-सान वा शिनसेत्सु देसु, वाट्टो-सान वा शिनसेत्सु देसु, मिस्टर वॉट काइंड है। वाट्टो-सान मतलब मिस्टर वॉट, वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, शिनसेत्सु मतलब काइंड, दिस मतलब है, तो वाट्टो-सान वा शिनसेत्सु देसु, वाट्टो-सान काइंड है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, माउंट फुजी इज हाई, माउंट फुजी एक ऊंचा पहाड़ है,
माउंट फूजी नाउन है यहाँ पे और उसकी आप क्वालिटी बता रहे हैं कि वो एक ऊंचा पहाड़ है, इसको जैपनीज में बोलेंगे फुजीसान वा थकाई दिस, फुजीसान वा थकाई दिस। इस सेंटेंस पैटर्न को देखते हैं, फुजीसान यहाँ पे नाउन है, फुजीसान मतलब माउंट फूजी, वा एक सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, थकाई मतलब हाई ऊंचा टॉल, दिस मतलब की है, तो सेंटेंस बना फुजीसान वा थकाई दिस, माउंट फूजी ऊंचा पहाड़ है। ना एडजेक्टिव जा आरिमासेन, ना एडजेक्टिव की अगर आपको नेगेटिव फॉर्म बनानी होती है तो ना एडजेक्टिव के बाद जा आरिमासेन लिख दीजिए, उसकी नेगेटिव फॉर्म बन जाएगी। ये बिल्कुल नाउन की तरह है, हमने लेसन वन या लेसन टू में पढ़ा था कि नाउन की नेगेटिव फॉर्म जब बनानी होती है तो नाउन के बाद जा आरिमासेन ऐड कर दीजिए, नेगेटिव फॉर्म बन जाएगी। नाउन और एडजेक्टिव के रूल ऑलमोस्ट सेम तरीके से चलते हैं, ना एडजेक्टिव और नाउन, ना एडजेक्टिव्स और नाउन के रूल सेम तरीके से चलते हैं। तो ना एडजेक्टिव का नेगेटिव बनाना है तो जा आरिमासेन लास्ट में आपको ऐड कर देना है, नेगेटिव फॉर्म बन जाएगी। एग्जांपल देखते हैं, इट्स नॉट क्वाइट देयर, इसको जैपनीज में बोलेंगे असोकोवा शिजुका जा आरिमासेन, असोकोवा शिजुका जा आरिमासेन। इस सेंटेंस का ब्रेकअप देखते हैं, असोको मतलब दैट प्लेस ओवर देयर, जो स्पीकर और लिसनर दोनों से ही दूर है, वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, शिजुका होता है क्वाइट, और ये ना एडजेक्टिव है, आपको बोलना है क्वाइट नहीं है, तो इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए जा आरिमासेन आपने इसके बाद लगा दिया, तो शिजुका जा आरिमासेन मतलब क्वाइट नहीं है, असोको वा शिजुका जा आरिमासेन मतलब वहां पर क्वाइट नहीं है। जा आरिमासेन नाउन में भी हमने पढ़ा था, जा की जगह हम देवा भी लगा सकते हैं, ये थोड़ा और पोलाइट बना देते हैं सेंटेंस को, अगर देवा हम यूज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा असोकोवा शिजुका देवा आरिमासेन, असोकोवा शिजुका देवा आरिमासेन। ये सेंटेंस जा आरिमासेन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पोलाइट हो जाएगा। तो देख लिया हम लोगों ने कि बहुत ही सिंपल तरीका है ना एडजेक्टिव का नेगेटिव बनाना। अब ई एडजेक्टिव का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये ना एडजेक्टिव के मुकाबले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका रूल देख लेते हैं। ई एडजेक्टिव में लास्ट में ई लेटर आता है, ये हमने देखा था रूल। अब इस ई लेटर को हटाकर हमें उसे रिप्लेस करना है कुनाई से, ई को हटाकर हमें उसे रिप्लेस करना है कुनाई से, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, कोनोहोन वा ओमोशिरो कुनाई दिस, कोनोहोन वा ओमोशिरो कुनाई दिस, मतलब यह बुक इंटरेस्टिंग नहीं है, दिस बुक इज नॉट इंटरेस्टिंग। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनाया है, कोनोहोन मतलब यह बुक, वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, ओमोशिरोई होता है इंटरेस्टिंग, इसमें से हमने ई हटा दिया और ई की बजाय लगा दिया कुनाई, तो बन गया नॉट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का नेगेटिव, ओमोशिरो कुनाई मतलब नॉट इंटरेस्टिंग, दिस मतलब है, तो कोनोहोनवा ओमोशिरो की कोनोहोनवा ओमोशिरो कुनाई दिस मतलब यह बुक इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये टेबल बनाकर मैंने यहां पर ई एडजेक्टिव्स की नेगेटिव फॉर्म बनाकर दिखाई हुई है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि बिग को बोलते हैं जैपनीज में ओकी, और उसका नेगेटिव होता है ओकी कुनाई। स्मॉल को बोलते हैं चीसाई, और इसका नेगेटिव होता है चीसा कुनाई। टॉल को बोलते हैं थकाई, और उसका नेगेटिव होता है थका कुनाई। चीप होता है यासुई, और नेगेटिव यस कुनाई। लो होता है हिकुई, और लो का नेगेटिव हिकु कुनाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉमन रूल फॉलो हो रहा है, लास्ट में जो ई लेटर है, ये मैंने रेड से मार्क भी किया हुआ है, ई लेटर को हमने हटा दिया और ई की जगह हमने कुनाई लगा दिया, तो उस ई एडजेक्टिव की नेगेटिव फॉर्म बन गई। तो प्रैक्टिस के साथ ही बहुत इजी लगने लग जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल रूल नहीं है, जैसे ही कुछ एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करेंगे ये बहुत आसान लगने लग जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा मैं मिन्ना नो निहोंगो बुक पे बेस करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके पास अगर मिन्ना नो निहोंगो बुक नहीं है तो आप उसको खरीद लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके पास वो बुक हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो सारे एग्जांपल्स जब आप करेंगे तो ये सारे रूल्स आपको नेचुरली
क्लियर होने लग जाएंगे। अगर आप बुक नहीं आपको कहीं से मिल पा रही है, जनरली मार्केट में जैपनीज की बुक्स यहाँ इंडिया में कम अवेलेबल होती है, तो मैंने नीचे एक अमेजोन का लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप चैप्टर 1 to 13 है जो सबसे स्टार्टिंग की फर्स्ट बुक है, वहाँ से आप वो खरीद सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मैंने अब यहाँ कुछ नेगेटिव ना एडजेक्टिव्स के नेगेटिव के एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जो हमने स्टार्टिंग में ना एडजेक्टिव्स पढ़े थे उनके नेगेटिव बनाए हुए हैं। ना एडजेक्टिव्स के नेगेटिव बनाना तो बहुत ही सिंपल होता है, जैसे इजी को बोलते हैं खानतान, और इसका नेगेटिव होता है खानतान जा आरिमासेन। क्वाइट को बोलते हैं शिजुका, और नेगेटिव होता है शिजुका जा आरिमासेन। लाइवली को बोलते हैं निगियाका, और इसका नेगेटिव निगियाका जा आरिमासेन। फेमस यूमे, नेगेटिव यूमे जा आरिमासेन। काइंड शिनसेत्सु, नेगेटिव शिनसेत्सु जा आरिमासेन। अच्छा, यहाँ शिनसेत्सु है, ये मैंने हिरागाना में यहाँ पर ये ते गलत हो गया, ये ते लिखा हुआ, यहाँ पर से आएगा शिनसेत्सु। तो यहाँ मैं खांजी का स्पेशली इजली यूज़ कर रहा हूँ इन चैप्टर्स में, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल खांजी पढ़नी ही है। अगर आपने अभी तक खांजी याद करना स्टार्ट नहीं किया है तो थोड़ा थोड़ा आप खांजी को देखने लग जाइए। मैं यहाँ पर खांजी का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको खांजी देखने की, सुनने की, पढ़ने की आदत हो जाए, क्योंकि आप जब भी JLPT एग्ज़ाम्स देंगे खांजी तो उनमें आएंगी ही, तो आप खांजी देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे उसके साथ आप कंफर्टेबल होने की कोशिश कीजिए, और मैं कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें JLPT N5 से लेकर हायर लेवल्स तक की खांजी आपको सिखाऊंगा। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव सेंटेंस में क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। क्वेश्चंस यूजिंग एडजेक्टिव सेंटेंसेज आर मेड इन द सेम वे एज दोज यूजिंग नाउन और वर्ब सेंटेंसेज। अभी तक के चैप्टर्स में हमने देखा था नाउन और वर्ब सेंटेंस होते थे, उनका क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते थे, एक नॉर्मल सेंटेंस के लास्ट में का लगा देते थे, वो क्वेश्चन बन गया। बहुत ही सिंपल तरीका है क्वेश्चन बनाने का। तो एडजेक्टिव सेंटेंसेस में भी सेम रूल यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इज इट कोल्ड इन बीजिंग, क्या बीजिंग में अभी ठंड है। पेकिन वसामु इदिस्का, पेकिन वसामु इदिस्का। तो बीजिंग को बोलते हैं पेकिन, जैपनीज में बीजिंग को बोलते हैं पेकिन। वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, सामुई मतलब ठंड, दिस मतलब है, का क्वेश्चन मार्कर है। तो अगर हमें बोलना होता बीजिंग में ठंड है तो पेकिन वा सामुई दिस, बस यहाँ तक बोल देते बीजिंग में ठंड है। अगर हमें क्वेश्चन बनाना है कि बीजिंग में ठंड है क्या, तो पेकिन वा सामुई दिस का, बस का हमने लास्ट में ऐड कर दिया, ये क्वेश्चन बन गया। बहुत ही सिंपल तरीका है क्वेश्चन बनाने का। एक और एग्जांपल, अगर इसी के जवाब में अगर आपको सामने वाला रिप्लाई देगा यस इट इज, हाँ वहां ठंड है, तो उसको बोलेंगे हाई सामुई दिस, हाई सामुई दिस। हाई मतलब यस, सामुई मतलब ठंड, दिस मतलब है, हाई सामुई दिस मतलब हाँ ठंड है वहां पर। और एग्जांपल्स देखते हैं। Is the water of Lake Biwa clean? क्या लेक बिवा का वाटर क्लीन है? इसको जैपनीज में बोलेंगे बिवा कोनो मिजुआ किरे देस्का, बिवा कोनो मिजुआ किरे देस्का। बिवा को मतलब लेक बिवा, बिवा उसका नाम है और को लेक के लिए यूज होता है, बिवा को मतलब लेक बिवा। बिवा को नो, नो पार्टिकल हमने पढ़ा था, इसका मतलब का के की से हम रेफर कर सकते हैं हिंदी के, तो बिवा को नो मिजू मतलब बिवा को लेक का पानी। वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, किरे, किरे एक तो सुंदर के लिए भी यूज करते हैं किसी इंसान के लिए बात कर रहे हो तो, और किसी प्लेस जगह के लिए बात कर रहे हो तो साफ सफाई के लिए भी किरे यूज करते हैं, तो किरे मतलब क्लीन, दिस मतलब है, का क्वेश्चन मार्कर है। तो बिवा को नो मिजू वा किरे दिस का मतलब बिवा लेक का पानी साफ है क्या, अगर इसका आंसर हमें देना है नो इट इजंट, नहीं वह साफ नहीं है, तो इसको बोलेंगे ईए किरेजा आरिमासेन, ईए किरेजा आरिमासेन। ईए मतलब नो, खिरे मतलब क्लीन, और इसका हमें नेगेटिव बनाना है, क्लीन नहीं है, तो किरे हमने पढ़ा था ये एक एक्सेप्शन है, ऑल दो इसके लास्ट में ई आ रहा है लेकिन ये ना एडजेक्टिव है, और ना एडजेक्टिव का नेगेटिव बनाने के लिए लास्ट में जा आरिमासेन हम लगा देते हैं,
तो ये किरे जा आरिमासेन मतलब नहीं, साफ नहीं है। लेक बिवा के एक एग्जाम्पल में हमने लेक बिवा यूज़ किया है तो इसलिए मैं बता देता हूँ, ये एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर लेक है शिगा प्रिफेक्चर में जो क्योतो के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, उसकी मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है। तो चैप्टर में जो जो चीज़ें हम पढ़ते चलेंगे, कोई नई जगह का नाम पढ़ते चलेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी लेने की कोशिश करेंगे। अब ना एडजेक्टिव के बाद अगर आपको नाउन यूज़ करना है या फिर ई एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज़ करना है तो उसको किस तरह से सेंटेंस में फ्रेम करते हैं वो हम इस ग्रामर पॉइंट में पढ़ेंगे। ना एडजेक्टिव के बाद अगर आपको एक नाउन यूज़ करना है तो ना एडजेक्टिव के बाद ना लेटर लगाएंगे और उसके बाद नाउन लिखेंगे, ठीक है। किसी नाउन की कोई क्वालिटी बता रहे हैं, उस नाउन को मॉडिफाई करना है हमें, अगर नाउन की क्वालिटी बतानी है तो हम एडजेक्टिव के बाद डायरेक्टली नाउन लगाते हैं, लेकिन ना एडजेक्टिव है अगर तो उसके बाद ना स्पेसिफिकली लेटर भी लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताना है कि मिस्टर वॉट इज़ अ काइंड टीचर, मिस्टर वॉट एक काइंड टीचर हैं, काइंड टीचर ये नाउन है टीचर और इसकी क्वालिटी बता रहे हैं हम इससे पहले एडजेक्टिव लगा के काइंड, तो इसको जैपनीज में हम बोलेंगे वात्तो सेंसेई वा शिनसेत्सु ना सेंसेई देसु, वात्तो सेंसेई वा शिनसेत्सु ना सेंसेई देसु। सेंटेंस स्ट्रक्चर को ब्रेकअप करके देखते हैं, वात्तो सेंसेई मतलब मिस्टर वॉट, सेंसे टीचर हैं इसलिए सेंसे लगा रहे हैं हम, अगर टीचर नहीं कोई भी हमसे बड़े या ऐसी नॉर्मल व्यक्ति होते तो वात्तो सान बोलते, पर वो वात्तो सेंसे टीचर हैं इसलिए सेंसे कहकर रेफर कर रहे हैं। वात्तो सेंसेई वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, शिनसेत्स मतलब काइंड, अब हमें बोलना है काइंड टीचर, शिनसेत्स सेंसे काइंड टीचर, और काइंड एक ना एडजेक्टिव है इसलिए शिनसेत्स के बाद ना स्पेसिफिकली एक वर्ड हमें लगाना पड़ेगा, तो काइंड टीचर को बोलने के लिए हमें बोलना पड़ेगा शिनसेत्स ना सेंसे, सिर्फ शिनसेत्स सेंसे नहीं बोलेंगे, शिनसेत्स ना सेंसे। दिस मतलब हैं, वात्तो सानवा शिनसेत्स ना सेंसे दिस, मिस्टर वॉट काइंड टीचर हैं। अब देखते हैं ई एडजेक्टिव के बाद अगर हमें नाउन लगाना है तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। ना एडजेक्टिव में तो हमें ना लेटर लिखना पड़ता है स्पेसिफिकली, ई एडजेक्टिव में आपको बीच में कोई भी लेटर नहीं लिखने की जरूरत है, सिंपल एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। फॉर एग्जाम्पल माउंट फुजी इज अ हाई माउंटेन, फुजी सानवा थका यामा देस, फुजी सानवा थका यामा देस। फुजी सान मतलब माउंट फुजी, वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, थकाई मतलब हाई, यामा मतलब माउंटेन, दिस मतलब है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाई मतलब थकाई और यामा माउंटेन, इनके बीच में हमें कोई भी इनको जोड़ने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली थकाई यामा लिख सकते हैं हाई माउंटेन के लिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नारा इज अ फेमस टाउन, नारा वा युमेना माचिदेस, नारावा युमेना माचिदेस। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं यू में, क्योंकि नाकेयोशी है, नाकेयोशी के बाद हमें नाउन लगाना है तो उसके बीच में हमें ना लेटर ऐड करना पड़ेगा, तो नारा जगह का नाम है, वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल, युमेना माची फेमस टाउन, दिस मतलब है, नारावा युमेना माची दिस, नारा एक फेमस टाउन है। फोर्थ ग्रामर पॉइंट है इस चैप्टर का, थोतेमो आमारी, थोतेमो और आमारी एडवर्ब है डिग्री के, ये किसी भी एडजेक्टिव से पहले लगाए जाते हैं उनकी डिग्री बताने के लिए। थोतेमो का मतलब होता है बहुत और आमारी का मतलब होता है इतना भी नहीं, रफली मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके इनको बता रहा हूँ। तो किसी एडजेक्टिव की डिग्री बता रहे हो आप ये लगाकर, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा है थोतेमो उससे पहले लगा देंगे तो मतलब बहुत अच्छा है, और आमारी पहले लगा देंगे तो मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, ऐसे रफली इसका हिंदी में मीनिंग बनेगा, एग्जाम्पल्स से वो हम समझ जाएंगे आगे। थोतेमो मैंने आपको बताई दिया पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, इसका मतलब होता है बहुत, और आमारी नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है जिसका मतलब होता है नॉट वेरी मतलब इतना भी नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं,
बीजिंग इज वेरी कोल्ड, बीजिंग बहुत कोल्ड है, बहुत ठंडा है। पेकिन बीजिंग को बोलते हैं। वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, थोतेमो मतलब वेरी बहुत, सामुई मतलब ठंडा, दिस मतलब है। पेकिनवा थोतेमो सामुई दिस, बीजिंग बहुत ठंडा है। दिस इज अ वेरी फेमस मूवी। कोरेवा थोतेमो यूमेना एगा दिस, कोरेवा थोतेमो यूमेना एगा दिस। कोरे मतलब यह है, वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, थोतेमो मतलब बहुत, यूमेना एगा फेमस मूवी। यूमेना एगा, यू में एक नाकेयोशी है, इसीलिए इसके बाद हमने ना लगाया हुआ है, क्योंकि हमें इसके साथ जोड़ना था एक नाउन। फेमस मूवी मतलब यूमेना एगा, दिस मतलब है। कोरेवा थोतेमो यूमेना एगा दिस, यह एक बहुत फेमस मूवी है। शांघाई इज नॉट वेरी कोल्ड, शांघाई ज्यादा ठंडा भी नहीं है। शांघाई वा हमारी सामुक नाई दिस, शांघाई वा हमारी सामुक नाई दिस। शांघाई शांघाई को बोलते हैं, वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है। हमें बोलना है इतना भी ठंडा नहीं है या बहुत ठंडा नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। तो आमारी, आमारी के बाद जो एडजेक्टिव है उसकी नेगेटिव फॉर्म लगाएंगे। सामुई होता है ठंडा, ई हटाकर कुनाई लगाना है, सामुकुनाई मतलब ठंडा नहीं है, दिस मतलब है। आमारी सामुकुनाई मतलब इतना भी ठंडा नहीं है। शांघाई वा आमारी सामुकुनाई दिस, शांघाई इतना भी ठंडा नहीं है या शांघाई ज्यादा ठंडा नहीं है। साकुरा यूनिवर्सिटी इज नॉट अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, साकुरा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी नहीं है। सकुरा दाइगाकु वा अमारी यूमेना दाइगाकु जा आरिमासेन, सकुरा दाइगाकु वा अमारी यूमेना दाइगाकु जा आरिमासेन। सकुरा दाइगाकु मतलब साकुरा यूनिवर्सिटी, वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है। अब ये नेगेटिव हमें बोलना है कि ज्यादा फेमस नहीं है, तो अमारी, उसके बाद फेमस की नेगेटिव फॉर्म यूमे ना दाइगाकु जा आरिमासेन। साकुरा दाइगाकु वा आमारी यूमे ना दाइगाकु मतलब फेमस यूनिवर्सिटी, यूमे ना दाइगाकु, और उसकी नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए जा आरिमासेन। तो सेंटेंस बना साकुरा दाइगाकु वा आमारी यूमे ना दाइगाकु जा आरिमासेन। ये आमारी थोतेमो को तो यूज करना बहुत ही आसान है, सिर्फ आप एडजेक्टिव से पहले थोतेमो लगा दीजिए, पॉजिटिव वर्ड ही यूज होता है उसमें, पॉजिटिव फॉर्म यूज होती है एडजेक्टिव की, तो सिंपली थोतेमो लगाना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है। आमारी में नेगेटिव में चेंज हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी आपको शुरू में मुश्किल आ सकती है। तो जो भी एग्जांपल्स हम पढ़ रहे हैं इसको आप बार बार पॉज करके भले ही पढ़ लीजिए, या वीडियो को दोबारा देख कर ही सारे सेंटेंसेस रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एन वा दो दिस का, एन मतलब नाउन, एन वा दो दिस का, ये फिफ्थ ग्रामर पॉइंट है हमारा। ये एक क्वेश्चन फॉर्म है जिसको हम किसी का ओपिनियन जानने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी से पूछना है हाउ इज लाइफ इन जापान, तो इसको बोलेंगे निहोन्नो से कात्सुवा दो दिस का, निहोन्नो से कात्सुवा दो दिस का। निहोन मतलब जापान, निहोन नो से काट्स मतलब जापान का लाइफस्टाइल या फिर जापान की लाइफ, वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, दो दिस का मतलब कैसी है। निहोन नो से काट्स वा दो दिस का, जापान की लाइफ कैसी है। तो अगर किसी का आंसर है इट्स एंजॉयबल, थानोशी दिस, थानोशी दिस, थानोशी मतलब एंजॉयबल, दिस मतलब है, थानोशी दिस मतलब एंजॉयबल है। थानोशी एक इकेयोशी है, एक ई एडजेक्टिव है। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है एन वन वा दोन्नम एन टू दिस का, एन वन वा दोन्ना एन टू दिस का। एन वन एक नाउन है, ये जो एन वन है ये किस तरह का एन टू है,
किसी चीज के बारे में ओपिनियन जानने के लिए ये सेंटेंस पैटर्न यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, N1 एक मान लीजिए कार है मारुति की, तो हमें पूछना है मारुति किस तरह की कार है, तो उस केसेस में ये सेंटेंस पैटर्न यूज करते हैं. एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. वॉट काइंड ऑफ टाउन इज नारा, नारा किस तरह का टाउन है, इसको जैपनीज में बोलेंगे नारा वा दोन नामाची देस का, नारा वा दोन नामाची देस का. नारा टाउन का नाम है, वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल, दोन नामाची किस तरह का टाउन, दिस का है, नारा किस तरह का टाउन है. नारा वा दोन नामाची देस का. यहां पे ध्यान रखिएगा दोना के बाद हमेशा नाउन आता है, दोना के बाद हमेशा नाउन आता है, इस पॉइंट को यहां पर याद रखना है. अब इसका आंसर अगर आपको मिलता है इट्स एन ओल्ड टाउन, यह एक पुराना टाउन है, इसको बोलेंगे फुरुई माची देस, फुरुई माची देस. फुरुई मतलब ओल्ड, माची मतलब टाउन, दिस मतलब है, फुरुई माची दिस. नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है S1 गा, S2 गा एक पार्टिकल है जिसका मतलब होता है बट. इट इज यूज्ड टू लिंक सेंटेंसेस. एग्जाम्पल से देखते हैं, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा. पहले एग्जाम्पल देखते हैं इसका. जैपनीज फूड इज गुड बट एक्सपेंसिव, इसको जैपनीज में बोलेंगे निहोन नो थाबे मोनो वा ओइशी दिस गा थाकाई दिस, निहोन नो थाबे मोनो वा ओइशी दिस गा थाकाई दिस. इस सेंटेंस को ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं. निहोन जापान, नो पार्टिकल है, थाबे मोनो खाने की चीजें, निहोन नो थाबे मोनो मतलब जापान की फूड आइटम्स, वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, ओइशी इकेयोशी है, ये ई एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है टेस्टी, दिस मतलब है, गा मतलब बट, थाकाई, थाकाई मतलब कॉस्टली या एक्सपेंसिव, थाकाई मतलब एक्सपेंसिव, दिस मतलब है. तो निहोन नो थाबे मोनोवा ओइशी दिस गा, निहोन नो थाबे मोनोवा ओइशी दिस, यहां तक इस सेंटेंस का मतलब हुआ जापान की जो खाने की चीजें हैं वो टेस्टी हैं. अब हमने गा लगा दिया, इसका मतलब हो गया पर, महंगी हैं. जापान की खाने की चीजें टेस्टी तो है पर महंगी हैं. तो मोस्टली गा तब लगाया जाता है जब दो सेंटेंसेस ऐसे हम कनेक्ट कर रहे हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, मतलब एक तरफ तो पॉजिटिव बात बोली जा रही है लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव बात बोली जा रही है. वो टेस्टी तो है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है लेकिन महंगी है, ये एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट हो गया. तो इस तरह का कंपैरिजन दिखाने के लिए गा पार्टिकल यूज होता है. और यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस आप जिस एडजेक्टिव से खत्म करते हो उसी सेंस में फिर उस सेंटेंस को माना जाता है. जैसे कि इस एग्जाम्पल में निहोन नो थाबे मोनोवा ओइशी दिस गा थाकाई दिस, ओइशी दिस गा, ओइशी होना उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है पर महंगा होना, थकाई होना उसका नेगेटिव पॉइंट है. आप ये कहना चाह रहे हो यहाँ पे कि टेस्टी तो है पर महंगा है, तो उसको हम नेगेटिव सेंस में लेंगे. महंगा है आप ये इस सेंटेंस से प्रूव कर रहे हैं, मतलब बोलना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे जो लास्ट में एडजेक्टिव बोला जाता है मेन फोकस उस एडजेक्टिव पे होता है. बिल्कुल. तो यहाँ पर गा के बाद थकाई दिस, तो मेन फोकस हमारा ये है कि वो महंगा है. टेस्टी तो है ठीक है चलिए, लेकिन जो मेन पॉइंट यहाँ पे है कि वो महंगा बहुत है. अगर इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोलते तो इसको बोलते निहोन नो थाबे मोनो वा थाकाई दिस गा ओइशी दिस. तो इस सेंटेंस पे हमारा फोकस हो जाएगा कि खाना महंगा है ठीक है लेकिन टेस्टी है. बिल्कुल. तो वो एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाएगा. तो पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, महंगा है कोई बात नहीं लेकिन वो टेस्टी है. उसमें ओइशी पे फोकस होगा, यहाँ पर थकाई पे फोकस हो रहा है. तो ये छोटी छोटे ऐसे पॉइंट्स है जो बुक में जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी, पर अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको एक मतलब एक ग्रामर पॉइंट, एक एक्स्ट्रा एडिशनल ये ग्रामर पॉइंट है. नेक्स्ट है दोरे. ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज होता है और जब हमें लिसनर से किसी दो से ज्यादा चीजों के बारे में चॉइस पूछनी होती है, इनमें से कौन सी आइटम है. मान लीजिए ये जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं,
विच इज मिस्टर मिलर्स अम्ब्रेला. दो से ज्यादा अम्ब्रेला रखी हुई हैं और आपको पूछना है कि इनमें से मिस्टर मिलर की अम्ब्रेला कौन सी है. तो जैपनीज में इसे पूछेंगे मीरा आसान नो खासावा दोरे दिस्का. मीरा आसान नो खासावा दोरे दिस्का. मीरा आसान मतलब मिस्टर मिलर, नो पार्टिकल है, खासा अम्ब्रेला. मीरा आसान नो खासा मतलब मिस्टर मिलर की अम्ब्रेला वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है. दोरे दिस्का मतलब कौन सी है. मीरा आसान नो खासा वा दोरे दिस्का, मिलर मिस्टर मिलर की अम्ब्रेला कौन सी है. ये तब पूछते हैं, ये जो व्यक्ति, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके सामने 3, 4, 5 ऐसी कुछ अम्ब्रेला रखी होंगी, इस वजह से वो पूछ रहा है कि मिलर सान की कौन सी है इनमें से. तो अब आंसर इसका इस तरह से दिया जाएगा, कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर आप बताएंगे ना जो सबसे अलग दिख रहा हो. मान लीजिए एक ब्लू कलर की अम्ब्रेला रखी हुई है जो सबसे अलग है, तो दैट ब्लू वन, वो ब्लू कलर वाली है, उसको बोलेंगे आनो आओ ई खासा देस. आनो आओ ई खासा देस. आनो मतलब वह जो स्पीकर और लिसनर दोनों से दूर है. आओई मतलब ब्लू, खासा अम्ब्रेला, दिस है. आनो आओई खासा दिस मतलब वह ब्लू अम्ब्रेला. अब जो अभी तक हमने ग्रामर पॉइंट्स पढ़े हैं उन सबको मिक्स करके कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि वो ग्रामर पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं. फर्स्ट सेंटेंस है, इज ओसाका लाइवली. क्या ओसाका लाइवली है. ओसाका वा निगियाका देस्का. ओसाका वा निगियाका देस्का. ग्रामर पॉइंट्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो अभी तक ग्रामर पॉइंट्स पढ़े हैं उसी के बेस पर ये सेंटेंस पैटर्न लिखे गए हैं. ओसाका सिटी का नाम है जहां पर यूनिवर्सल स्टूडियो लोकेटेड है. वा सेंटेंस मार्किंग पार्टिकल, निगियाका मतलब लाइवली, दिस मतलब है, का इज क्वेश्चन मार्कर. अगर आंसर है यस इट इज, हाई निगियाका देस. हाई निगियाका देस. इज दैट डिक्शनरी गुड. अब गुड का मतलब क्या, अच्छी है वो पढ़ने में डिक्शनरी, तो इसको जैपनीज में बोलेंगे सोनो जिशो वा ई दिस्का. सोनो जिशो वा ई दिस्का. सोनो जिशो मतलब वह डिक्शनरी. सोनो इस सोनो यह है यहां पर बता रहा है कि डिक्शनरी जिसकी बात हो रही है वो लिसनर के पास है, जिससे आप बात कर रहे हैं उसके पास है वो डिक्शनरी. वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, ई मतलब गुड, दिस मतलब है, का इज क्वेश्चन मार्कर. तो सोनो जिशो वा ई देस्का मतलब क्या यह डिक्शनरी जो आपके पास है क्या यह अच्छी है. और इसका आंसर नो इट इज नॉट सो गुड, इतनी भी अच्छी नहीं है. ईए अमारी योकुनाई देस. ईए अमारी योकुनाई देस. ईए मतलब नहीं. अब हमें बोलना इतनी अच्छी नहीं है या बहुत अच्छी भी नहीं है, तो अमारी और उसके बाद ई की नेगेटिव फॉर्म लगानी है हमें. वो हमने क्या पढ़ा था, नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए जो लास्ट में ई होता है उसे हटाकर कुनाई लगा देते हैं. तो यहां पर इकुनाई नहीं बनेगा, ये एक स्पेशल केस है. ई की नेगेटिव फॉर्म जब बनानी है तो योकुनाई होती है, वो इकुनाई नहीं योकुनाई होती है. एक्चुअली ये दो वर्ड्स हैं, एक होता है ई और एक होता है योई. हम दोनों यूज कर सकते हैं, पर नेगेटिव सिर्फ योई का बनता है. योई का ई हटके कुनाई आ जाता है, योकुनाई हो जाता है. तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी. मतलब ई और योई ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों का मतलब सेम है, पर नेगेटिव सिर्फ योई का बनता है. नेगेटिव बनाना है तो योई का योकुनाई बनेगा, ई का इकुनाई कुछ नहीं होता. अगर नेगेटिव बोलना है तो योकुनाई बोलेंगे. ये एक स्पेशल केस है. तो एक बार फिर से सेंटेंस पैटर्न रिपीट करते हैं, आंसर क्या है. ईए अमारी योकुनाई देस. नहीं इतनी अच्छी नहीं है, या नहीं बहुत अच्छी नहीं है. हाउ डू यू लाइक द सबवे इन टोक्यो. आपको टोक्यो का सबवे कैसा लगता है. सबवे मतलब कि जो मेट्रो ट्रेन वहां पर चलती हैं, तो मोस्टली उसको सबवे कहकर रेफर करते हैं. तो इसको बोलेंगे टोक्यो नो चिका तेत्स वा दो दिस्का. टोक्यो नो चिका तेत्स वा दो दिस्का. टोक्यो तो आपको पता है जापान की कैपिटल है. टोक्यो की खांजी आप याद कर ले, क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है, याद करनी भी ईजी है, बार बार देखने को मिलेगा. नो पार्टिकल है, चिकातेत्स मतलब सबवे,
वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल, दो मतलब हाउ, दिस मतलब है का क्वेश्चन मार्कर. तो सेंटेंस बना टोक्यो नो चिकातेत्स वा दो देस का. टोक्यो का सबवे कैसा है? और इसका आंसर है इट इज क्लीन एंड इट इज कन्वीनियंट. वह साफ है और बहुत कन्वीनियंट है. किरे दिस सोचते बेनरी दिस. किरे दिस सोचते बेनरी दिस. किरे ब्यूटीफुल के लिए भी यूज करते हैं और नीट एंड क्लीन के लिए भी यूज करते हैं. तो किरे दिस मतलब साफ है. और दो पॉजिटिव चीजों को, दो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को जब जोड़ना होता है तो सोचते से जोड़ा जाता है. तो सोचते बेनरी दिस साफ है और कन्वीनियंट है. तो यहां पर किरे और बेनरी दोनों पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं. तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सोचते का यूज होता है. किरे दिस सोचते बेनरी दिस साफ है और कन्वीनियंट है. नेक्स्ट सेंटेंस है आई सो अ मूवी यस्टरडे. कल मैंने एक मूवी देखी थी. इसको जैपनीज में बोलेंगे किनो एगा ओ मिमाशिता. किनो एगा ओ मिमाशिता. किनो मतलब यस्टरडे, एगा मूवी, ओ पार्टिकल, मिमाशिता देखी थी. कल एक मूवी देखी थी. व्हाट काइंड ऑफ मूवी वाज इट? वो कैसी मूवी थी? दोन्ना एगा दिश्ता का. दोन्ना एगा दिश्ता का. दोन्ना व्हाट काइंड ऑफ, एगा मूवी, देश्ता का मतलब कैसी थी. दोन्ना एगा देश्ता का किस तरह की मूवी थी. इट वॉज द सेवन सामुराय. इट इज ओल्ड बट अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी. ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है. इसको जैपनीज में बोलेंगे शिचिनिन नो सामुराई देस. फुरुई देस गा तोतेमो ओमोशिरोई एगा देस. शिचिनिन नो सामुराई देस. फुरुई देस गा तोतेमो ओमोशिरोई एगा देस. शिचिनिन नो सामुराई, द सेवन सामुराई को जैपनीज में बोलेंगे शिचिनिन नो सामुराई देस मतलब सेवन सामुराई थी. फुरुई दिसगा, फुरुई मतलब ओल्ड. फुरुई दिसगा मूवी पुरानी है. पर थोतेमो ओमोशिरोई एगा दिस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है. तो पुरानी एक तरह से नेगेटिव सेंस में बोला जा रहा है और उसके अपोजिंग एक व्यू देना है कि पुरानी तो थी पर एक पॉजिटिव व्यू है कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है. तो इसलिए गा पार्टिकल से इन दोनों को कनेक्ट करेंगे. फुरुई दिसगा थोतेमो ओमोशिरोई एगा दिस. पुरानी थी पर बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है. चेरी ब्लॉसम्स आर ब्यूटीफुल. साकुरावा किरे दिस. साकुरावा किरे दिस. साकुरा चेरी ब्लॉसम को बोलते हैं. वा पार्टिकल है, किरे ब्यूटीफुल, दिस है. साकुरावा किरे दिस मतलब चेरी ब्लॉसम्स ब्यूटीफुल हैं. माउंट फुजी इज हाई. फुजीसान वा थकाई दिस. फुजीसान वा थकाई दिस. फुजीसान मतलब माउंट फुजी. वा पार्टिकल. थकाई मतलब कि हाई. दिस मतलब कि है. फुजीसान वा थकाई दिस. माउंट फुजी ऊंचा है, हाई है. चेरी ब्लॉसम्स आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स. साकुरावा किरे ना हाना दिस. साकुरावा किरे ना हाना दिस. अब इसको अगर हम जो अभी लास्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था कि चेरी ब्लॉसम्स आर ब्यूटीफुल, सिर्फ इतना ही सेंटेंस था तो वो था साकुरावा खिरे दिस. अब हमने बोल दिया चेरी ब्लॉसम्स आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स. अब एडजेक्टिव के बाद हमने नाउन लगा दिया तो खिरे के बाद हमें हाना लगाना है. लेकिन किरे एक नाकेयोशी है, एक ना एडजेक्टिव है. तो इसलिए इनको एक साथ हम तभी लगा सकते हैं जब बीच में हमें इसके लिए ना लगाना पड़ेगा. तो किरे ना हाना. किरे ना हाना दिस. साकुरावा किरे ना हाना दिस. साकुरा सुंदर फूल हैं. ये दिस में मैंने दे यहां पर नहीं लिखा हुआ, ये लिख देता हूं. नेक्स्ट सेंटेंस है माउंट फुजी इज अ हाई माउंटेन. लास्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था माउंट फुजी इज हाई. तो माउंट फुजी इज हाई को जैपनीज में बोला था फुजीसान वा थकाई दिस. और ये सेंटेंस है माउंट फुजी इज अ हाई माउंटेन. फुजीसान वा थकाई यामा देस.
फुजिसान वा थाकाई यामा देस। तो ये इकेयोशी है थाकाई, तो इसलिए इसके बाद हमें कोई भी कनेक्टेड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली थाकाई यामा लिख सकते हैं। मिस्टर सांतोस, हाउ इज योर वर्क? मिस्टर सांतोस, आपका काम कैसा चल रहा है? सांतोस सान, उशिगो तो वा दो दिस का? सांतोस सान, उशिगो तो वा दो दिस का? सांतोस सान मतलब मिस्टर सांतोस, ओ शिगोतो मतलब वर्क, शिगोतो वर्क होता है, उससे पहले ओ ऑनररी प्रिफिक्स लगाया हुआ है। ओ शिगोतो वा पार्टिकल है, दो दिस का मतलब हाउ इज इट, कैसा है? वेल इट्स बिजी बट इट्स इंटरेस्टिंग। तो ये ट्रांसलेट करने से पहले हमें ये देखना है कि ये बिजी तो है पर इंटरेस्टिंग है। तो दो एडजेक्टिव्स हैं जिनका अपोजिट व्यू है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को कंबाइन करने के लिए गा पार्टिकल का यूज होता है। तो इसको जापानीज में ट्रांसलेट करेंगे, सो दिस ने इसोगाशी दिस गा ओमोशिरोई दिस। सो दिस ने इसोगाशी दिस गा ओमोशिरोई दिस। तो सो दिस ने ये किस लिए यूज किया जाता है, कपिला सेंसे एक्सप्लेन करेंगी। सो दिस ने जनरली कोई इंफॉर्मेशन कॉन्वर्सेशन, आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो सोचते हुए अच्छा ऐसा है, बिजी तो है बट इंटरेस्टिंग है, तो उस सेंस में अच्छा एक एक्सप्रेशन, एक तरह से अच्छा मेरा काम, सोचने के लिए थोड़ा टाइम लेने के लिए कुछ, हाँ उसी लाइन स्पेस का यूज होता है। कोई इसका पर्टिकुलर ऐसा मतलब नहीं है सो दिस ने का, पर इसको कोई टाइम लेने के लिए कोई चीज आप सोच रहे हो, अच्छा मेरा काम ठीक चल रहा है, तो ये वो एक तरीका है एक सेंटेंस स्टार्ट करने का। तो सो दिस ने इसोगाशी, इसोगाशी मतलब बिजी, ये इकेयोशी है, ई एडजेक्टिव है। इसोगाशी दिस गा बिजी है पर ओमोशिरोई दिस इंटरेस्टिंग है, बिजी तो है पर इंटरेस्टिंग है। तो मेन यहाँ जो फोकस हो रहा है वो ओमोशिरोई पर है, तो ये काम जो इस मिस्टर सांतोस के लिए काम इंटरेस्टिंग है, मेन फोकस उसका इंटरेस्टिंग पर है, पर हाँ वो ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बिजी भी है इसके साथ साथ। तो इस चैप्टर की ये ग्रामर पॉइंट्स यहीं ख़त्म होते हैं लेसन 8 के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम ट्राई करेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करने की। देवा माता ने, बाय बाय।